याकूब का बेटा यूसुफ उनके बारे में कुछ बातों का अध्ययन करेंगे उत्पत्ति सैतीस अध्याय में आप पढ़िएगा यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं उनकी मां मर गई है पिताजी बहुत प्रेम से उनको देखभाल किया प्रेम दिखाया बचपन से ही मां को खोया है सत्रह उम्र का एक जवान है यूसुफ अभी क्या हुआ है उस उत्पत्ति सा अध्याय का पांचवा वचन में नवां वचन में दो वचन में ही वो स्वपन को देखा उस स्वप्न को पिता के पास आके कहा अपने भाइयों से कहा था उस स्वप्न किसका भारम था उनका भविष्य के भारे में था आने वाला दिन में परमेश्वर उनके बारे में क्या योजना रखी है परमेश्वर उनके लिए क्या ऊंचाइयां रखी है परमेश्वर उनके लिए कौन सी कार्य करेगा उस सपन में प्रभु ने प्रकट किया देखिए इसलिए हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा स्कूल विद्यार्थियों से जवानों से कहा सपन देखो सपन देखना है कहते थे इसका मतलब यूसुफ के जिंदगी को उन्होंने जाना इसलिए वो कहा बचपन में ही एक स्वपन हमारा भविष्य के बारे में एक योजना को जानना है इसको बाइबल के वचन के अनुसार कहेंगे तो दर्शन देखना दर्शन देखना होगा का अंदर भविष्य के बारे में क्या होने वाली है उस दर्शन स्वप्न के द्वारा दिखाया गया देखिए वैसे ही एक एक परिवार में आपके बच्चों प्रति, परमीशर के प्रति परमेश्वर की बड़ी योजना है इस याकूब को परमेश्वर ने जब मिला स्वप्न से ही उनसे बातें किया और उनसे बातें किया उस बातों को देखेंगे ऐसे ही यूसुफ को सिखाएंगे परमेश्वर मुझे स्वपन से बातें किया दर्शन दिया मुझसे बातें किया तब ये सब को स्मरण करके यूसुफ के अंदर एक इच्छा हुआ प्रभु मुझसे बातें किया करना है मेरे भविष्य के बारे में कहना है इसीलिए देखिए परमेश्वर ने प्रकट किया आपके बच्चों के लिए भविष्य में प्रभु क्या रखा है उसको जानने के लिए आप उनको मदद करना है स्वप्न भी नहीं दे सकते हैं दर्शन भी नहीं देख सकते हैं लेकिन परमेश्वर उसको दे सकता है आप उसको मदद करना है एक एक माँ बाप अपने बच्चों को उत्साह करना है परमेश्वर से मांगने से तुम्हारा भविष्य की योजना को प्रभु प्रकट करेगा द भविष्य में प्रभु क्या रखा है उसको तुम्हें बताएगा बचपन में ही उसको जानने से उसकी ओर उसकी यात्रा कर सकते हैं इसलिए उसमें कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने के लिए उनकी पढ़ाई में सही रहेंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की संगति में बरकरार रहेंगे परमेश्वर यह योजना को मेरे लिए रखा है मैं आगे बढ़ना है इसी विचार से वे आगे बढ़ेंगे इसलिए सावधान रहना उसमें ध्यान देना कुछ लोग कहते हैं बिजनेस करने वाले हैं हम सब इतने तकलीफ़ में बिजनेस करके डेवलप किए हैं हमारे बच्चे आके उसको देखेंगे लेकिन उनको इंटरेस्टेड नहीं है आईटी कंपनी में काम में जा रहे हैं नहीं बारह घंटा सोलह घंटा बिजनेस नहीं कर सकते हैं सुबह से रात तक जाग नहीं सकते हैं हम आठ घंटा काम करेंगे आराम से कमाएंगे महीना महीना इतना कमाएंगे साइन से रहेंगे ऐसे कहते हैं लेकिन बिजनेस करने से ये बहुत लोगों को आशीष मिलेगा सेवा में मदद कर सकते हैं ये सम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। कुछ बिजनेस करने वाले दुख को कहते हैं मैं क्या कहता हूँ बचपन में ये आपने बीज नहीं डाला बचपन में उनको बैठा के ये में कितनी बड़ी आशीष है प्रभु के ओर मिला है इससे कई गुना तुम बड़ा करना है इस स को मैं अभी तक बनाया इसके बाद दस गुने तुम सौ गुना बढ़ा सकता हो तुम प्रभु के साथ राज्य में बनाने के तुम लाभ हो सकते हो बचपन में ऐसे बीज डाल के प्रार्थना करके दिखाने से तब उन बच्चे भी सीख सकते हैं उनको अभी पता नहीं चलना चाहिए पिताजी का तकलीफ नहीं मालूम होना चाहिए सुबह जाकर रात में आते हैं इसे बोल बोल के बच्चों के मन में क्या ये तकलीफ हमें नहीं चाहिए अब जाएंगे आराम से कमाएंगे आएंगे जिएंगे ये इसी विचार आने का कारण कौन है पेरेंट्स इसका कारण है आप इस तकलीफ पे तकलीफ पे बोल बोल के उसके मन में बोझ बना दिए उनका बोझ बन गया है इसलिए आप ही इस पर सावधान देना बच्चे बिजनेस करना तो काम करना है उनके भविष्य के बारे में प्रभु क्या योजना रखा है उसको समझा के दिखाना उत्साह करना है प्रभु का दर्शन देंगे